हेलो, वेलकम बैक। तो नई वीडियो में आपका स्वागत है गाइस सब लोग का। तो आज हम फिर से कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, घूमने बाहर निकलते हैं। वीडियो बनाता हूँ मोस्टली मैं, तो आज भी कहीं जा रहा हूँ। अगर आपने ये रास्ता देखा होगा या फिर रास्ता पहचाना होगा तो गाइस ये रास्ता सेंट्रल पार्क वाला रास्ता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर वीडियो देख लेना। मौसम देख सकते हो गाइस, बढ़िया से मौसम हुआ है। थोड़ी थोड़ी धूप है बट उतनी भी नहीं लग रही, और ठंड हवा काफ़ी है, तो काफ़ी ठंडी भी थोड़ी थोड़ी, मतलब काफ़ी नहीं बट थोड़ी थोड़ी ठंडी भी महसूस हो रही है। और बाकी आप यहाँ पे ये देख ही सकते हो यहाँ पे कैसा मौसम हुआ है। और नोबो सामने आगे जाके बैठा है, नोबो साथ में है। मोस्टली हम दोनों ही ज़्यादातर घूमते रहते इधर उधर। तो चलो अभी नोबो को यहाँ से मिलेंगे उसको, और फिर सामने जाएंगे। मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा रास्ता वगैरह। आना है सेंट्रल मार्केट जाएंगे, मेरे रिचार्ज खत्म हो गया है फोन का, तो पहले रिचार्ज करेंगे और फिर उसके बाद आगे जो यूरोस पार जाना है वहाँ जाएंगे। और सामने इसकी बात बताता हूँ गाइस, ये जो आप ऊपर देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, पबजी में कि थॉमसन लेके वो हाथ में खड़ा है यहाँ पे, आप अगर सामने देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं। और हम इसी हिसाब से इसको याद रखते हैं कि सेंट्रल पार्क वाला स्टैचू या फिर कुछ नहीं बोलते, हम सीधा वैसे बोलते थॉमसन वाला बंदा। तो नोबो को ले लिया है, और नोबो क्यों आप सामने आए थे बताओ? बस आज थोड़ा बाल काटने के लिए बाहर आ गए जल्दी। नोबो के बाल कैसे लग रहे, कमेंट में बता देना गाइस नोबो के बाल कैसे लग रहे। वही तो। और बताओ कहाँ जा रहे हम? अभी बस यहाँ से आप लोगों का रिचार्ज होगा और उसके बाद हम लोग सीधा रिवर से होकर घूम के सीधा घर, और बस वही जाना है, रिचार्ज करेंगे और फिर जाएंगे सामने यूरोस पार। बस घूमते घूमते यही चल रहा है, बस जिंदगी यही है। तो यही करेंगे रिचार्ज गाइस, टेलीपू का सिम कार्ड है मेरा, तो ये कुछ प्लान दरअसल कुछ अब बेस लिमिट रिचार्ज नहीं तो उम्मीद नहीं इस नंबर। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया गाइस रिचार्ज करते समय, उसके पास मतलब जो ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट नहीं होता है वहाँ पे, तो थोड़ा सामने एटीएम मशीन मतलब एटीएम जाना पड़ेगा, वहाँ से विड्रॉल करूँगा पैसे कुछ, और फिर मैं रिचार्ज वहाँ पर करूँगा। यही आए अब बैंक में, लाइन है थोड़ी सी, लाइन में खड़ा हूँ। यही सामने जो मार्केट दिखा था गाइस यही है, यही पे आया था मैं लास्ट टाइम भी, जो आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में। तो यही मार्केट, और उसके बाजू में यही पे ये है अपना एटीएम वगैरह, तो यही से पैसे निकाल के रिचार्ज करूँगा। पैसे तो निकाल लिए, अभी नोबो पैसे निकाल रहा है। और ये गाइस जो है ये बैंक स्वेर बैंक है, यहाँ पे अस्कृत के स्वेर और बीटीबी और भी कई बैंक है। एक दिन मैं उसका भी वीडियो आपको बनाऊंगा उसका वीडियो, और आपको दिखाऊंगा कि और इंडियन कार्ड से निकालने पे कितने चार्जेस वगैरह लगते हैं, ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो पहले अभी रिचार्ज कर लेता हूँ मैं, पैसे निकाल लिए मैंने, नोबो भी पैसे निकाल रहा है, उसका भी कुछ काम है। तो रिचार्ज हो गया गाइस, तो मेरा जो सिम कार्ड है, मतलब यहाँ पे सिम कार्ड अलग अलग होते हैं, जैसे कि MTS होता है, और दूसरा टेली2 है, योटा है, और मेगाफोन है। तो जैसे आप पीछे MTS का देख रहे हो, ये लोगो MTS का है। तो रिचार्ज हो गया मेरा, और अभी हम जा रहे हैं सामने। यहाँ पे रिचार्ज का थोड़ा सिस्टम अलग है गाइस, एक दिन मैं वीडियो में आपको बता भी दूंगा क्या सिस्टम है, कैसे और कैसे रिचार्ज होते हैं सब चीज़ों के, अलग अलग सिम कार्ड के रिचार्ज कैसे होते हैं। अभी देखो मैं रिचार्ज मतलब अनलिमिटेड रिचार्ज करता हूँ, तो मुझे ये पड़ता है 450 रुपये में, और मेरे एक दोस्त है उसको वही रिचार्ज पड़ता है 400 रुपये में, और एक दूसरा दोस्त है उसको पड़ता है 500 रुपये में। तो अलग अलग सिस्टम है, जिस दिन ऑफर में सिम कार्ड मिलता है उस दिन अगर आपने वो सिम कार्ड ले लिया और अनलिमिटेड का पैक ले लिया, तो उस दिन के हिसाब से आपको आगे भी उतने पैसे में आपका रिचार्ज हो जाएगा। बट अगर ऑफर में नहीं मिला तो मोस्टली 450 या फिर 500 रुपये में आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा हर बार। तो ऐसा कुछ अलग सा सिस्टम है, सोचा कि आपको बता दूँ ये चीज़ क्या है यहाँ पे।
इसी वजह से सेंट्रल मार्केट कहते हैं। और इस सेंट्रल मार्केट में भी आप पीछे देख पा रहे हो, इधर देखो यहाँ पे स्पार लिखा हुआ है, उल्टा दिख रहा है आपको, बट यहाँ पे भी एक स्पार है और उधर नदी के रिवर के साइड में भी एक स्पार है। तो अभी हम रिवर साइड वाले स्पार में जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे भी और बस घूम के आ जाएंगे, आपको दिखा भी देंगे बस। चलो चलो रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको, बढ़िया से हाईवे टाइप बढ़िया रास्ता है वो दिखाता हूँ। लोग बढ़िया से यहाँ पे बैठ के, शाम का समय है, बढ़िया से मौसम हुआ है, लोग बैठ के अपना बढ़िया से मौसम देखते, सारी चीजें देखते रहे। और यहाँ से सामने थोड़ा जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी अपनी रिवर, तो रिवर के पास जाएंगे और बाकी की बातें करते रहेंगे। चलो प्लेस पहचान लिया आपने, यही प्लेस है वो जहाँ पे लास्ट वाला वीडियो जैसे कि अपना बोटिंग वाला था तो यही प्लेस है गाइस बोटिंग का। बस उस साइड से थे हम बोटिंग, वहाँ पे आप देख पा रहे हो, उन्हें पता नहीं वहाँ पे लोग कुछ बोटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। और ये कबूतर वबूतर क्या बोले आप, ये जो है बस बढ़िया से अपना तैर रहे देखो। और अगर आपने मेरा पहला यहाँ का वेलकम टू रशिया करके मेरा एक वीडियो है गाइस, वो अगर आपने देख लिया होगा तो ये वीडियो मैंने यहीं पे बनाया था। और अब उस वीडियो में देख सकते हो कि मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे बर्फ़ कितनी होती है, जब मौसम यहाँ पे बर्फ़ का होता है, जब अभी आगे अक्टूबर नवंबर से यहाँ पे बर्फ़ चालू होनी होगी तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तभी भी दिखाऊंगा। बट अगर आप देख सकते हो कि अभी का और तब का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो आप वो वीडियो अभी इसके बाद देख सकते हो कि उसमें कितनी सारी बर्फ़ यहाँ पे दिखती है। तो चलो बस यहाँ पे हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बढ़िया से मौसम लग रहा है, लोग भी यहाँ पे काफ़ी घूम रहे हैं, आगे बढ़िया से है। तो वहाँ आगे इससे भी आगे अपने को जाना, ये तो चर्च है, आपको मैंने दिखाया था कि नहीं पता नहीं मुझे, बट ये चर्च है यहाँ पे एक, यहाँ पे ये एक चर्च है आप जो देख रहे हैं ये सामने वाला, और एक इधर साइड में इधर एक चर्च है और काफ़ी भी है, बट यहाँ पास पास में मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो चलो यहाँ से आगे जाना है और वहाँ स्पार है, उस पार भी दिखाऊँगा। चलो ये ब्रिज एक लव ब्रिज की तरह है हमारे यहाँ पे सिटी का, आप देख सकते हो कपल्स आते हैं, अपने प्यार का नाम, दोनों का नाम साथ में लिखते हैं, उनके मिलने की डेट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं और उसकी चाबी यहाँ पे नीचे फेंक देते हैं। तो उनका कहना है कि इसके कारण उनका प्यार ज़्यादा दिन तक चलेगा, मतलब उनमें कुछ झगड़े वगैरह नहीं हो गए, ऐसा मतलब इन लोग का कहना है, मानना है। आप ट्राई करना चाहते हो तो आ सकते हो यहाँ पे, ट्राई कर सकते हो। पहुंच गए गाइस जो प्लेस बोला था, स्पार, यूरो स्पार वैसे लिखा है। और वहाँ पे मैं जैसे आपको दिखाया था सेंटर में भी है एक स्पार करके और एक दूसरा स्पार है, तो उससे ये थोड़ा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, मतलब थोड़ा नहीं। तो चलो अंदर भी दिखाता हूँ, मतलब एक सुपरमार्केट जैसा ही है, इसमें भी वही चीज़ें मिलेगी बट कुछ ज़्यादा चीज़ें है। और बस चलो देख ही लो आप, बोलने से अच्छा आप कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लो क्या क्या मिलती है। यहाँ पे कॉफी शॉप वगैरह भी है, बढ़िया से लोग बैठ के यहाँ पे खाते हैं अपना। एप्पल का दाम यहाँ पे देख सकते हो, और अभी एप्पल यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं गाइस, रास्तों पे काफ़ी पेड़ मिल जाएगा, एक दिन मैं आपको दिखा दूँगा एक आधे वीडियो में। और इधर आप देख सकते हो टमाटर का, और ये कुछ है, और उधर भी प्राइस वगैरह जो है लिखा है।
और इधर अनानास जो है इसको अनानास ये लोग भी बोलते हैं, ये भी यहाँ पे, और इधर भी कुछ है एवोकाडो है शायद, और इधर और ये बड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ सब्जियाँ वगैरह, कुछ कुछ सब्जियाँ मिलती है इंडिया जैसी, कुछ नहीं मिलती, बहुत सी नहीं मिलती है, बट यही है। और सामने भी देख सकते हो आप कपुस्ता, कपुस्ता मतलब पत्ता गोभी जो होती है उसकी, ये है कपुस्ता, यही। ये आलू देख रहे हो, और इधर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जितना चाहिए उतना अपने हिसाब से, यहाँ पे पॉलीथीन लगा और इसका दबा दो उतना आ जाएगा, तो ये है। और ये शक्कर अंडे वगैरह यहाँ पे भी है, और इधर सामने मोस्टली ये सारा सी फूड है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और एकदम फ्रेश फ्रेश भी यहाँ पे, मतलब फिश लेना हो तो उसकी भी प्राइस थोड़ा महंगा होता है ये सारी। और ये थोड़ा पहले से क्या काटी वटी कुछ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। और इधर ये चिकन वगैरह ये सारी चीज़ें मीट की, और इनका पोर्क का वगैरह भी मिलता है यहाँ पे, और ये खुले में चिकन टाइप थोड़ा। आज भीड़ काफ़ी है सच बताओ तो, बहुत लोग हैं आज यहाँ पे। मैं बता देता हूँ बस क्या क्या मिलता है यहाँ पे, तो इधर के साइज में थोड़ा ड्रिंक वगैरह मिलती है चीज़ें, इधर पानी चिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती है, इधर आप जैसे देख रहे हो क्या बोलते हैं इसको, जूस वगैरह ये सारी चीज़ें, और कोल्ड ड्रिंक ये भी है यहाँ पे। इधर सामने जाओगे तो इधर भी देख सकते हो आप कॉफ़ी, कॉफ़ी वगैरह का ये सारा सेक्शन है इधर, और इधर आप जाओगे तो इधर सारा चॉकलेट का है, ये सारा चॉकलेट वगैरह सारी चीज़ें इधर, और कुछ यहाँ पे मिठाई जैसे खाने की चीज़ें हैं इधर की साइड में, और ये डेयरी प्रोडक्ट्स है, इधर भी दूध वगैरह ये सारा सारा ये डेयरी प्रोडक्ट्स का है, सामने भी आप देख सकते हो दूध वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखी रही है आपको, ये मिलती है। तो स्पार के बाहर आ गया गाइस, ये पीछे स्पार रहा, यहाँ से बाहर आ गया, कुछ सामान वगैरह तो लिया नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल लेने के लिए, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। हाँ लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं शायद आपको पिज़्ज़ा, यहाँ का पिज़्ज़ा काफ़ी फेमस है, और जो लास्ट टाइम बोटिंग करते समय तो यहीं पे पिज़्ज़ा खाया था हम लोगों ने, तो वो बट वो भी नहीं लिया हमने, क्यों पेट भरा सा है क्योंकि घर से खा के ही निकले थे, तो इस कारण कुछ खाया नहीं हम लोगों ने। अभी रात के 8 बज रहे तो सोच रहे बस अभी घर चले जाए बस। और यहाँ पे एक गए पीछे मैं दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे दरवाज़ा खुला है, तो यहाँ से मतलब ऐसे कुछ जीसस क्रिस्ट जैसे ऐसे कुछ इनका है, क्रिश्चियन लोगों में कुछ होता है ये शायद, तो ऐसे यहाँ से बाहर निकलता है इधर जाता है ऐसे कुछ दिखता रहता है, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट वो क्या है और इनका क्या होता है, बट वो अभी तो नहीं है, कितने बजे होता है वो समय भी पता नहीं मुझे, तो अगर एक दिन कभी मेरे सामने आ जाए तो मैं एक दिन अगले वाले कभी वीडियो में आपको वो दिखा दूंगा। तो बस यही है वीडियो का, इस होप करता आपको अच्छे लगे होगे, अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और दूसरी गाइस यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप तो कुछ तो आपको कुछ तो वीडियो पसंद आया होगा या फिर कुछ तो अच्छा लगा होगा, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हो ये भी कमेंट करके बता देना। और यहाँ पे मैंने मास्क नहीं पहना है क्योंकि यहाँ पे उतनी भीड़ भाड़ नहीं है, लोग नहीं है, इस कारण मैंने मास्क वगैरह यहाँ पे पहना नहीं। तो बस यही है गाइज, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू गाइज़।